रह निकला। किसान लोगों ने सभा बुलाई है जिसमें किसान नेता एवं समस्त पीड़ित किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और अपील करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएँ और अपने दोहरी संगति से विसंगति से जो शासन प्रशासन ने जो मुआवजा दिया है सभी को एक समान दिया जाए। हमें तो आपने जवाब कानून है आप इस बार एक बात से मत कर देना, टाल देना कि बड़े अधिकारी जाने इसको। कौन सा? हर सवाल का जवाब आप ये बड़े अधिकारियों ने किया है, हमारे पास नहीं है तो मैं हम आए हैं क्योंकि हमारे अधिकारी आप ही हैं और हम आपसे ही बात कर सकते हैं। कानून 2014 का ये कानून है, इस थीम पार्क की जमीन जो ली गई थी सरकार ने भी मान लिया कि थीम पार्क नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो फिर इसका गिरने का मतलब क्या? एक दूसरी बात, आपने थीम पार्क के लिए जो जमीन ली थी जब जमीन थीम पार्क की कम पड़ी तो आपने लैंड पार्सल से जमीन ले ली, जबकि कायदा ये कहता है कि एक्विजिशन एक बार में होता है, एक्विजिशन के लिए बार बार आप और उसके लिए आपने कोई बजट भी नहीं निकाला। आपने किसानों क्यों अनपढ़ है आप तो जानता नहीं है, तो आपने 400 जमीन उससे ले ली लेकिन उसका आपने कोई बजट नहीं किया, उसमें कोई राज्यपाल की साइन नहीं। नंबर दो, नंबर तीन, जो लैंड पार्सल का किसान जो रह गया आपने आधी जमीन ले ली आधा पैसा दे दिया, इधर तो लैंड पार्सल का भी जो डेकोरेशन हुआ उसको भी आपने तोड़ दिया क्योंकि लैंड पार्सल जो बननी थी उसमें से जमीन आपने थीम पार्क के लिए ले ली। अब जो किसान रह गया या तो ये सब जो किसान रह गए हैं थीम पार्क वाले इनको विचार को ना कर सके, जैसे लैंड पार्सल को आपने दिया तो थीम पार्क को दिया पूरा ही आपकी बात पूरी, पैसा हमने नहीं दिया है, सरकार के द्वारा दिया गया, यूपी सी डी एस जिसके द्वारा ही अधिग्रहण किया गया उनके द्वारा दिया गया, जो उसमें पॉलिसीज थी जब जिस किसान ने उसमें करार किया गया उसको उन समय के अनुसार चार गुना पैसा दिया गया। वर्तमान में जो किसान रह गए थे जिन्होंने करार नहीं किया उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उसमें से अधिकतर किसानों ने पैसा ले लिया है, जिनका रह गया है दलित नगर के कुछ किसान उनको एसएल ऑफिस से दिलवाया जाएगा। आपकी जो नीतिगत समस्याएं हैं उनको हम ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बात चल रही है यूपी सीटा किस लेकर के अधिकतर किसानों ने इसमें से मुआवजा ले लिया है उस पर आपको कब्जा देना होगा। नहीं, मैं किसान पैसा ले लिया इसलिए कब्जा लेंगे, ये कानूनी बात नहीं है। देखिए नीतिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्चतर कब्जा ले लेंगे, आप मेरी बात सुनो, नीतिगत समस्याओं के समाधान के लिए उच्चतर अधिकारी और शासन और सरकार बैठे हैं, हम यहाँ जिन चीजों की समस्या का समाधान हमारे स्तर पर हो सकता है उस पर वार्तालाप। वर्तमान में जो आज कार्य हो रहा है वो यूपी सीडा से संबंधित है, लैंड पार्सल के मुद्दे को और यूपी सीडा के मुद्दे को दोनों को कतई मिक्स ना करें। आप किसान सभी लोग हमारा एक निवेदन है, आप हमारी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं क्या, किस बात की? इन्होंने एक्टिवेशन जो किसानों का तोड़ा है क्योंकि उद्देश्य सब खत्म हो रहा है और आप यहाँ कब्जा करेंगे, हम भी लौट के जैसा आज हमने कहा हम 112 को कॉल करेंगे, भाई आप इनके साथ खड़े हैं क्योंकि इन्होंने पैसा दे दिया लेकिन कानून जो बनाया वो भारत की संसद ने बनाया, जितना फॉलो इन यूपी डा में होगा उतना ही फॉलो हम पे होगा, लेकिन 5 साल पूरे हो गए और आपने किसानों के यहाँ के प्रशासन कमिश्नर साहब ने माना, डीएम साहब ने माना, लैंड पार्सल वाला जो आपका मुद्दा है अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसमें जब भी आपका डिसीजन फाइनल होगा उसके अनुसार उस पर मुआवजा या फर्दर कोई भी डिसीजन उस पर हम तभी बोल पाएंगे। आप उस विषय को इस विषय से मुद्दा ना मिला, मेरा मानना यह है कि मानवीय तौर से किसान अनपढ़ है इस चीज पर नहीं, हम क्यों माने कि मानवीय तौर पे किसान अनपढ़ है, क्यों माने, इनमें सबसे ज्यादा समझदारी है, मुझे लगता है कि आम आदमी इंसान से ज्यादा समझदारी है, तभी तो अपने हक के लिए बार बार खड़े हैं, आप लोग क्यों खड़े हैं, इसीलिए तो खड़े हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि किसान अनपढ़ है, पता नहीं अनपढ़ नहीं होता, बात सुनिए तो 44 का पैसा और 24 का पैसे में फर्क है ना, और इसी जगह हुआ ना जो समस्या यूपी सीडा से है आप वहाँ पे जाकर। नहीं, मैं हमारा मानना ये देखिए वैसे तो आप मालिक हैं यहाँ की तहसील के मालिक हैं, एक बार किसानों की जो है यहाँ पे जो बड़े अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने जो दिया है इनकी इसमें है, आपकी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, यूपी सीडा वाला काम वो होगा, किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, जो रह गया वो होगा, जो आपकी अन्य नीतिगत समस्याएं हैं जिसके लिए विस्तृत तौर पे एक पैनल और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उसके लिए तहसील आप हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ले किसानों की उससे क्या, जिसका उद्देश्य बदला जा रहा है थीम पार्क ही नहीं बची उसके लिए क्यों जमीन घेरी जा रही है, यूपी सीधा है थीम पार्क, आप बार बार इसको गलत फहमी फैला रहे हैं, आप इस मुद्दे को बार बार उस मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं, जमीन को उससे क्यों जोड़ रहे हैं, थीम पार्क से क्यों ले जा रहे हैं, ये इनका अपना औद्योगिक यूनिट बनेगी, औद्योगिक यूनिट 670 किया था, पूरा 670 किया था ना, अरे कोई बात कर लो,
क्या नहीं हुआ? हाँ हुआ है, आधा हुआ है, कितना हुआ है? लैंड पार्सल में जी जितना अभी जैसे आपने अधिग्रहण किया था 2009-10 में, पाँच साल के बाद में आपका कोई अधिकार नहीं बनता है क्योंकि आपका भौतिक कब्जा नहीं हुआ। पार्सल में बात नहीं कर रहे हैं हम तो, उसमें रहन थीम पार्क, थीम पार्क की बात कर रहा हूँ। अरे मैं थीम पार्क की बात कर रहा हूँ, थीम पार्क की बात कर रहा हूँ। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। जो आज की तारीख से हमारा जो मुआवजा है वो हमारा मुआवजा दिया जाए, हमारी जो ब्याज बनती है ब्याज दी जाए, तो हमारा ट्यूबवेल का पैसा बनता है ट्यूबवेल का पैसा दिया जाए। खिलाए कुछ? हम लिख तक आए हुए हैं, हम लिख के तो दे देंगे, हम लिख के देंगे बीसी को और कमिश्नर को। जब हमने कमिश्नर से लड़ाई लड़ी तो कमिश्नर कहने का मतलब आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो तुम तो एक्सियन हो। एक बात बताओ भाई, अध्यक्ष जो होता है आगरा विकास प्राधिकरण का कमिश्नर, तो तुमने उनसे अपनी बात रखी? अरे हम बात रखे तो रही और कैसे रखे, हम तो 2-3 साल से बात है, आंदोलन हुआ है यहाँ पे, कमिश्नरी का घेरा हुआ है, खूब बात रख रखे रहे हैं, पर भाई कोई सुन तो कहाँ है? अब हम लट्ठू चलाए का मरवे और मारवे का यहाँ है, अब देख सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, अभी जमीन अब कब्जा नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आगरा विकास प्राधिकरण से ही तो आप, अरे काउट नहीं हो, आगरा विकास प्राधिकरण ने थीम पार्क में ली है, आगरा विकास प्राधिकरण ने लैंड पार्सल में ली है, लैंड पार्सल में खसरा और खतौनी के नाम हटाए दे, उन्हें लोन मिल रही ना है, उन्हें क्या मतलब सरकार की जो नरेंद्र मोदी योजना का देता है वो मिल रही ना है, डीएपी मिल रही ना है, तो भाई बाप की जी संतान है, भाई बाप की वो संतान है, उसका पैसा नहीं दिया है आगरा विकास प्राधिकरण ने, खतौनी से नाम हटा दिए, ये पूरा क्षेत्र तबाही कर दिया है इन लोगों ने, इसलिए हम मर जाएंगे या मिट जाएंगे, ना तो हम आपकी जेसीबी चलन देंगे, ना यहाँ एक ट्रैक्टर चलन देंगे, अच्छी नहीं चलन देंगे। दूसरे नंबर ज्यादा वो करोगे तो जुमान लिए होगा देश व्यापी यहाँ से भी आंदोलन की रूपरेखा हो जाएगी, क्योंकि संगठन का कमजोर संगठन तो ना हूँ। तो चाचा मैं ये आपसे निवेदन हुआ कि आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, तो ये आप अपनी ड्यूटी कराओ, हमें अपनी ड्यूटी कराना है। हमारा आपसे निवेदन है, आपकी जो समस्या है वो जिलाधिकारी महोदय से, तो जिलाधिकारी महोदय तो कहाँ ढूंढूं, जिलाधिकारी कोरोना चल रहा है, कौन सी बात करूं, कहाँ करूं, मैं सुनो सही काय को ढूंढूं, लखनऊ भाग जाते हैं, तब फिर मैं बार रात में रुको, तब कमिश्नर साहब लखनऊ से आए कि एक महीना में आपको काम है जाओ, अब एक साल फिर क्या करूँगा, तुम बताओ किसानों ने यहाँ तुम्हें एक कर रहे हैं, पुनर्वास का पैसा नहीं मिला है, अरे मेरी